नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पांडे और आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन। जैसा कि आप लोग ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा हर वीडियो आपके पास तुरंत मिल जा रहे और आप हमारे हर वीडियो को नॉलेज कर सकें और आप उस वीडियो के नॉलेजबल को जान सकें। तो जैसा कि वीडियो हम बनाने चल रहे हैं दोस्तों, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा जो वीडियो, जैसे कि हमारे जो फोटो डालते हैं वो हमारा सर्चुलेशन के, जैसे कि हमारा टेक्निकल वो पांडे डालेंगे तो हमारा एक दो फोटो ज़रूर हमारे गूगल पे आ जाए। टेक्निकल वो पांडे सर्च करेंगे गूगल पर जाकर तो वहाँ पर एक दो फोटो हमारे जरूर ही आ जाएगी, हमारा चैनल का लोगो ज़रूर आ जाएगा। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि यार हमारा नहीं आता है, हमारा कैसे आ जाता है। तो इसका खास रीज़न है कि जो सेम नेम होने का, अब टेक्निकल पांडे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप हम भीतर समझिए दोस्तों, इसको समझने में बहुत मतलब कि कुछ माइंड लग सकता है आप सब लोगों को। जैसे कि बता रहे हैं सेम नेम होने का एक कारण ज़रूर है। सेम नेम मतलब जैसे कि अब टेक्निकल पांडे चैनल यूट्यूब बनाए हैं, अब उसके बाद जैसे कि ट्विटर का बना दिया तो उसमें वो पांडे ही अकेले डालिए, अकेले डाल दिए वो पांडे ही, तो उसमें आपको सर्च लिस्ट में कभी नहीं आएगा। सर्च लिस्ट में नहीं आएगा तो आपका ना फोटो आएगा ना आपका अकाउंट आएगा। हमारा अगर टेक्निकल वो पांडे वहाँ पर गूगल पर डाल दिए तो हमारा सब चीज़ देख लेंगे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने मतलब कि जितने भी सोशल मीडिया है हमारा सब आ जाता है टेक्निकल वो पांडे के नाम से। वही चीज़ हम भी बताना चाह रहे हैं आपको, अगर कोई भी चीज़ बनाए, कोई भी अकाउंट, पहले सोच लीजिए कि इस नाम से बनाना है और उस नाम को कभी नहीं हटाना है। तो उसी नाम से सब अकाउंट, जितने भी अकाउंट सोशल मीडिया है या किसी और भी अकाउंट हो, तो सब एक ही नाम से बनाइए। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप सर्च करेंगे कभी, जैसे कि हम आपको एक बार दिखा भी दे रहे हैं, जैसे कि हमारा एक वेबसाइट भी है, अभी खरीद नहीं हुए दोस्तों, आज अगर वहाँ से ले लेंगे, परचेज करेंगे तो हमारा वेबसाइट भी बन जाएगा technicalopande.com। अभी technicalopande.blogspot.com है, ऐसा है। तो उसके बाद जब परचेज कर लेंगे वहाँ से लिंक से, तो हमको फिर technicalopande.com पे हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब technicalopande डाल दीजिए, technicalopande यहाँ पर अकाउंट पे दिखा रहा है, बस पहले technicalopande यूट्यूब चैनल। अब इसमें देखते हैं फ़ोटो एक नहीं है, देखिए दोस्तों माई फ़ोटो एक आएगी वाली, जो है फ़ोटो है ये वाली, और ये वाले देखिए यूट्यूब का लोगो है, और ये वाला पहले का लोगो है यूट्यूब का। इसमें काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं को आप देख सकते हैं, देखिए टेक्निकल पांडे जिसमें लिखा है, तो ऐसे बहुत सारे देखिए जो YouTube में डालते हैं सब ऐसे सेम हैं। तो उसके बाद दिखाते हैं सदर, जैसे कि विकिपीडिया हमारा अकाउंट है उस पर भी टेक्निकल पांडे नाम है, तो वो आ रहा है। लिंकडिन जो हमारा अकाउंट है उसमें भी टेक्निकल पांडे वो भी आ रहा है, ट्विटर है टेक्निकल पांडे वो भी आ रहा है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं सभी जगह से अपने आप को हाईलाइट। तो ऐसे ही मतलब सेम रीजन पर ऐसे जितने भी अकाउंट बनाइए सेम नेम से बनाइए, चाहे जिसका भी अकाउंट, टिकटॉक, ट्विटर, टिकटॉक भी आ सकता है, लेकिन अभी तक अलाउ गूगल ने नहीं किया कि हमारे सोशल मीडिया पे वो टिकटॉक का अकाउंट रखा जाए। तो आएगा जल्द ही, अभी तो नहीं वहाँ पर से सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही आ जाएगा वो भी गूगल के सोशल मीडिया पे। तो ऐसे दोस्तों हम बता रहे, जैसे कि आप काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि जो भी अकाउंट बनाए पहले नाम सोच लीजिए किस नाम से बनाना है। जैसे कि आपका नाम अभिषेक, अभिषेक सिंह है, तो अभिषेक सिंह रॉक, अभिषेक सिंह रॉक बना दीजिए। तो आप अभिषेक सिंह रॉक के नाम से हर मीडिया पर वही नाम रखिए, बदल कर नहीं कि अभिषेक सिंह रख दिए कि अभिषेक राजपूत रख दीजिए, राजपूत अभिषेक, ऐसे नहीं। जो नाम एक जगह रखें वही नाम को रखें, इससे क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, अगर आप कहीं भी एक बार सर्च करेंगे तो आपका हर अकाउंट आपके सामने खुल जाएगा, पूरा जितना भी सोशल मीडिया आपके नाम पर होगा, पूरा आपके नाम के जितना भी सोशल मीडिया होगा सब खुल जाएगा। इससे यही बेनिफिट होता है दोस्तों, अगर कोई भी ढूंढेगा आपको, सिर्फ एक नाम आप बताएंगे तो आपका पूरा सोशल मीडिया आपके सामने दर्शित होगा। तो जैसे कि दोस्तों हम काफ़ी अकाउंट बना चुके हैं, अभी इसमें नहीं दिख रहा है दोस्तों, हम काफ़ी इंस्टॉल किए हुए हैं, चलाते तो हैं लगभग से लगभग सभी अकाउंट चलाते, मतलब सभी जो सोशल मीडिया अकाउंट है सभी चलाते हैं, लेकिन अभी तक
हमारे जो है तो इतने ही हैं, हम इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों मोबाइल पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है उस सब से। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सब भी ऐसे एक 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 नाम से दर्शित करें। फेस कैम वीडियो नहीं बना पा रहे दोस्तों, पहले बनाते थे, अभी नहीं बना पा रहे। बैकग्राउंड कुछ अवेलेबल नहीं हमारे पास, जल्दी हो जाएंगी। स्टैंड वगैरह ले लिए हैं दोस्तों, माइक भी ले लिए हैं, जल्दी हम स्टार्ट करेंगे अपना फेस कैम वीडियो बनाना। तो आप लोग से निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रही है और वीडियो को भी लाइक कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो और अच्छी बने और आप सब भी देखने में अच्छा लगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा ही वीडियो था दोस्तों आप सबको बताने का, कि काफ़ी लोग ऐसे गलती करते हैं जिससे उनका जो फिक रहता है, इससे बेनिफिट ये भी होगा दोस्तों, आपकी जितनी भी फिक रहेगी, आप एक नाम डालेंगे तो आपकी सब फिक आपके सामने दर्शित, मतलब कि सोशल मीडिया पर जो पिक डाले रहेंगे वो भी आएगी और आपको जो सेव करेंगे वो भी आएगी। पहले तो गूगल प्लस से जो भी शेयर करते थे, पोस्ट करते थे फोटो, वहाँ पर गूगल पर आती थी, लेकिन सोशल गूगल प्लस अब ब्लॉक हो गया है, इससे सभी को कठिनाई होती है फोटो डालने पर गूगल पर। तो इससे ये वाला दूसरा रीजन ये वाला आ गया है, गूगल प्लस के बाद हमारा आ गया है कि सोशल मीडिया का नाम एक ही रखने के बाद अब फोटो आ रही है। तो इसका यही बेनिफिट होगा दोस्तों, आपकी फ़ोटो भी आएगी और आपका नाम भी एक होगा, एक नाम बताने से आपके सब सोशल मीडिया पे सब लोग जा सकते हैं। तो यही बता दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दृश्य में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।